आ जाओ। हाँ टपरिया भी आपके देखते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आपको ये टपरिया में आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? कोठी मिल रही है, सब है? मिल रहा है आपको? नहीं मिली कोठी? हमें कोठी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिली? अरे मिली नहीं रही, फार्म भी नहीं भरा, गैस सिलेंडर नहीं मिला है, उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिला। हाँ कहाँ से आप? वैसे यही भोपाल से ही होगी कहीं? भोपाल से ही है प्रॉपर्टी यही। कितने सालों से भोपाल में है? ये यही भोपाल में हुए 1250 में। अच्छा 1250 मतलब? अरे हॉस्पिटल है ना 1250। अच्छा, मैं सोचा सन 1250। नहीं नहीं, इतना इतनी उम्र थोड़ी है। मैं खुश हो गया, मैं तो 1250 के आदमी हूं, इतनी उम्र नहीं है। तो ये जैसे अभी देखा जाए तो ज्यादातर जगहों में धान की खेती की हुई है, कुछ मक्का भी है, तो सब्जियां कहाँ है? सब्जी अब उधर खेतों में लगी है, इधर तो क्या नाला भर जाता है तो धान ही लगाते हैं, इसलिए सब्जी बारिश में नहीं लगाते। तो क्या खास है इस जगह के बारे में कुछ बताओ यार? खास तो सभी कुछ है, धान भी है, गेहूं भी होता है। गेहूं भी होता है ना? तो इधर कितने खेत है? पूरा खेती खेत है? ये पूरा खेती खेत है इधर है। इधर बागों वाले आ जाता है, इधर बादशाह मनिया है, इधर लाड़पुर अमराध है। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा घर तो बड़ा कच्चा बना है यार, कभी भी गिर सकता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। ये आपका घर है ना, भोपाल में है, बहुत दूर है नहीं। अगर गांव में होता तो हम समझते कि सरकारें वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं, देख नहीं पाती। इधर आ जाओ, नहीं तो कैसे आवाज आएगी आपकी? यही गांव में तो बात अलग है, लेकिन भोपाल में सरकार नहीं देख पा रही है। और आप यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं? जमीन कितनी है आपकी? ज्यादा नहीं, 1.5 एकड़। 1.5 एकड़? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्राइटेरिया में नहीं आते? हाँ तो अपनी वो तो इंदिरा आवास की जमीन है। अच्छा कोई वो तो ये नहीं रहा, इसकी पट्टे की। अच्छा करने खाने के लिए दी, कर रहा है खा रहा है। अच्छा तो ये मड़ई आपकी कब की बनी हुई है? मड़ई तो काफी पहले की बनी हुई है। मतलब जितने भी लोग आते होंगे, नेताओं के समर्थक देखते होंगे आप? देखते हैं, बोलेंगे करेंगे। ये अभी बारिश में ये दीवार गिर गई है। अच्छा ये कौन से नगर मतलब पंचायत के अंदर कौन सा पार्षद यहाँ के हैं? पार्षद और नगर अध्यक्ष यही पठानी में जाता है अपने पार्षद साहब केवल मिश्रा जी। अच्छा केवल मिश्रा जी, कभी उनके पास गए आप लोग और बोले कि हमारी झोपड़ी नहीं बनी हुई, झोपड़ी बन रही है? हाँ गए एक बार दो बार कई बार गए। लेटरिंग के भी बाथरूम में भी लेटरिंग बाथरूम बन रही थी, बोलते तुम अभी मेरा राशन कार्ड ही नहीं हुआ, पिताजी के नाम का है, वो मेरा भी नाम है। उधर गए तो कहने लगे कलेक्टर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाते तो अपने उनसे लिखवा के लाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा तो राशन कार्ड कलेक्टर बनाते हैं क्या? हाँ बोले वहाँ से बनेगा कलेक्टर से। पूछा नहीं आपने ऐसा? ऐसा ही कॉपरेटिव से राशन नहीं मिलता, कम से कम आज 7-8 साल ज्यादा हो गई राशन नहीं मिल रहा है। 8 साल पहले मिलता था? 8 साल पहले मिलता था। मम्मी पापा से तो नहीं मिल रहा ना, वो मम्मी पापा शांत हो गए। तो मम्मी पापा के राशन कार्ड में आपका नाम तो रहा? नाम है मेरा, नाम है, लेकिन बच्चों का नाम ही नहीं चढ़ा रहा है ना। बच्चों का नहीं? हाँ अब मुझे कहा है आपके बच्चों को बुलाइए, बच्चे काफी जागरूक समझ में आ रहे हैं। तो आने के लिए जरा जो ये आवास योजना है इसका अगर अच्छे से क्रियान्वयन की बात करें और इसके धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ किया है। हाँ उन्होंने सबके लिए किया, लेकिन यहाँ तो अब पूरे मंडी द्वीप में सतलापुर में सब्जी का मकान बने, हर जगह गांव में मकान, लेकिन यहाँ एक कोठी नहीं मिली किसी। अच्छा मैंने सुना है जब यहाँ पे मैंने बात की कुछ लोगों से, हमने देखा झुग्गी झोपड़ियों में लोग सड़क के किनारे रहते हैं, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन लोगों ने बताया मकान मिला नहीं, जबकि फिर जब हम नगर निगम में गए बात किया तो पता चला कि कई लोगों को मकान मिल गया है, वो मकान किराए में देके और फिर से झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है सर, अब किसी को शायद मिला हो तो कह नहीं सकते, लेकिन हमको तो अभी तक जानकारी नहीं है और ना यहाँ पे किसी को मिला। मैं मतलब जनरल बात कर रहा हूँ, जो हाँ मतलब रहने वाले गरीब हैं तो वो क्या करते हैं कि आवास योजना का लाभ मिला, जाके किराए में उसको दे दिए और फिर से रहने लगे और फिर अपने बच्चों को किराए मतलब फिर से नाम दे देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों का हक उस तरह के लोग मारते हैं। हाँ तो ये वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अपन को ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, अगर आप जन्मदिन की बधाई देना चाहें तो? क्या हार्दिक शुभकामना, खूब हमारी तरफ से, सब परिवार की तरफ से खूब बधाई है,
है ना, लेकिन ये कि हम उनको सोचते तो वो हमारे लिए भी तो सोचते हैं आपके, बस ये है ना, क्योंकि आप भोपाल में रहते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सही है, इतने लोग यहाँ से गुजरते हैं, जब सुना होता है तो आते होंगे लोग, जब आते हैं वो तो आपने दिखाया नहीं है, झोपड़ी दिखाया है, कहने लगे सब करेंगे, उधर मोहल्ले में भी रहते थे, वहाँ का जब गरीबी स्थिति आ गई तो इधर आके रहने लगे, कहीं खाना यहीं करना है। ये आप लोगों को इसका उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिला है, इसलिए आप लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, है ना, ये जो पीछे मकान है आपका ही है, अच्छा लेटरिन बाथरूम आपने अपने से बनाया है, कितने पैसे खर्च कर दिए आपने, अच्छा आपके बच्चे नहीं दिख रहे कहाँ चले गए है, कुछ बात करेंगे आप, बताइए आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला, आपने नहीं, नहीं मेरे को इनको कुछ नहीं बोलना है ना, बोलना चाहिए है ना, इन्हीं को आगे करना चाहिए आपको, अब चलिए ऐसे ही निकल चलते हैं, ये इनका घर है, बेहद दयनीय स्थिति है, आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और ये नाला बना हुआ है पीछे, है ना, ये नाला तो काफी भर जाता होगा बारिश में, काफी नुकसान होता होगा, हाँ पिछली बार पूरी धान की फसल खराब हो गई, मुआवजा वगैरह मिलता है कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, आपने कोशिश नहीं की मुआवजा, कोशिश क्या करे साहब, कोई रजिस्ट्री पट्टे तो है नहीं कि कुछ जागे आ जाए, जब अपने पार्षद जी और इनसे ही बोल सकते हैं, है ना, बाकी कुछ हुआ नहीं, दिवाले गिर गई मकानों की, कुछ नहीं मिला, काफी दयनीय स्थिति है, गरीब गरीब ही हैं, चाहे वो भोपाल में रहें चाहे वो किसी गांव में रहें, गरीबों की स्थिति हर जगह सेम है, फिर भी ये गरीब प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, दिल से बधाई दे रहे हैं।